अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। वक्त तरमीनी बिल का मकसद औकात की बेहतरी नहीं बल्कि इसे ख़त्म करना है। ये बात ऑल इंडिया मजलिस ताज़ मुस्लिमीन बारासर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वक्त बिल मोदी सरकार की गलत पॉलिसी से महाराष्ट्र में फिरका पसस्ती की दरीद और मुल्क के संगीन हालात पर तफसीली गुफ्तगू की है। बारासर असदुद्दीन साहब का कहना था कि हुकूमत वक्त को ख़त्म करने के लिए हिंदू मेम्बर्स को शामिल करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वक्त एक नीच जायदाद है और बीजेपी और आरएसएस झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। बीजेपी की एमपी कंगना रनावत ने अपने 3 खवातीन को दोबारा नाफिस करने वाली रिमार्क पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने अपने वापस लिया। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने 2011 में मनसूख हुए खवातीन को फिर से ले आने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये खवातीन किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ रियासतों में किसानों के एहतजाज पर मरकज ने इन्हें मनसूख किया। बाद में उन्होंने अपने तबसरे पर तनाज़े के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में माफ़ी मांगी और अल्फाज वापस लिए। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल्स में 2 दिन के बच्चे को अगवा के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही हल कर लिया है। नलगुंडा जिले के मतूर गांव के ताल्लुक़ रखने वाले शबाना और शाहिना के 2 बेटियां हैं। 24 तारीख को दर्द के बेसिस शाहना को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया गया था, जहां उन्हें एक बेटा जन्म दिया। अगले दिन कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए जाने पर वापस आने के बाद देखा तो बच्चा गायब था। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता चला और फिर बिहार की एक पूजा देवी ने अगवा किया था, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे को वापस कर दिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में मीरपेट के नगर और सत्या साई नगर इलाके में कई मकानात पानी में मनसूख हो गए हैं। हालिया दिनों की बारिश के दौरान पाइपलाइन की खराबी की वजह से पानी घरों में घुस आया है। मकानों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाए कि हुकूमत ने किसी किस्म के रद्द अमल नहीं किया है। बरसी शिकायत के बावजूद मुकामी हकाम ने मसाइल हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। मुकामी लोगों ने फौरन मुदाखलत और मजीद जान और माल के नुकसान से बचने के लिए मुतालबा किया। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक शराबी ने हलचल मचा दी है। बुध की रात मेर चौक के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नई मुद्दीर और सब इंस्पेक्टर रड्डी की क़ियादत में मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस ने एक ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने बिना रुके भागने कर पुलिस मुलाजिमीन की तरफ से चलाई जा रही। जब ऑटो को रोका जाया और जांच का तो पता चला कि ड्राइवर शराब के नशे में था और पुलिस ने बहस शुरू कर दी। पुलिस ने ऑटो को जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून में नौजवानों ने अपनी जान को खतरे में डालकर सड़कों पर बाइक के स्प्रिंट डोनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। यह वाकया आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक देर रात गए महावीर साइकिल से कलेक्टर ऑफिस तक नौजवानों का ये करतब देखा गया। इस हरकत से उन्हें दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। रील वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसे मुतालिक आपकी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्मम, भीम, आसिफाबाद, मेरचल और इसके अलावा मालगांव अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर मौसलदार बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। रोजाना के मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आदिलाबाद, मेरचल, निर्मल, निजामाबाद, जलीगढ़, रजा, सिलसिला और करीमनगर में 30 से 40 किलोमीटर पर रफ्तार की तेजी से बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश होने के इम्कान बताया जा रहा है। इस दौरान पेतापल्ली, खम्मम, महबूबाबाद और विकाराबाद के जिले अजला में भी ऐसे ही सूरत हाल रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं। अगले 7 दिनों में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान दिए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रोजगार मालूमात के मुताबिक अपोलो फार्मेसी हैदराबाद में उन उम्मीदवारों के लिए जॉब फेयर मुनाकिद कर रहे हैं जो फार्मेसी में डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर मुकम्मल कर चुके हैं। यह जॉब फेयर फार्मेसी और फार्मेसी असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए होगा। दिलचस्प रखने वाले उम्मीदवार को 30 सितंबर की सुबह 11 बजे उस्मानिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज ब्यूरो के दफ्तर में अपना रेज्यूम और तालीमी डॉक्यूमेंट के साथ हाजिर होना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 8247656356 पर। 23 सितंबर को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए
या फिर मुनाकिद किया था। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC 28 सितंबर को हैदराबाद के मौजमजाई मार्केट के शानदार गजल और शायरी की शाम का इंतजाम कर रहे हैं। गजल और शायरी हैदराबाद के फन और तहजीब का अहम हिस्सा है और इवेंट का मकसद इस रिवायत को बेहतरीन तरक्की से दिखाना है। गजल और शायरी की शाम एक दिलचस्प इवेंट होगा जो शौकीन को रुख जज्बाती इजहार की दुनिया में ले जाएगा। शरीक होने वाले से बुक माई शो पोर्टल पर अपने टिकट पहले से बुक कर सकते हैं। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले के तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर ने 26 सितंबर को गैर कानूनी तामीरात के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह सर्वे 25 सितंबर से शुरू हुआ था जिसमें 16 टीम हैदराबाद के 4 रंगारेड्डी और 5 मेडचल मलकाजगिरी जिलों में शामिल है। अफसर दराए के किनारे बनाए गए ढांचों की तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। खासकर मौसा रवि बफर जोन में चीफ मिनिस्टर रेवेन्यू रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि किसी भी गरीब खानदान को बगैर बाहर नहीं होने दिया जाएगा। सर्वे के बाद गैर कानून तामीरात के मिटाने के अमल शुरू किए जाएंगे कि मौसा रवि को बहाल बेहतर से बनाया जा सके। अभी फिलहाल के लिए इस न्यूज में तय। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने वाले जरूर फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।